हूं तो तुसी मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता दे दरबार चो कदे भी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं मुड़िया। जो हुक्म करो पिता। इको कार दिल सिर सोहन पट्टिया मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे तूड़। साड़े मुल्क ते हुए बाबर दे हमले दा श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च दस्या है किवें सुहागणा दे सिंदूर मिट्टी विच मिल गए जिन्हां दे सिरां ते सोहणियां पट्टियां सन किवें उन्हां दीआं बुरियां हालतां हो गईआं। लोकां दे दर्द नूं अपने दिल विच समो के गुरु साहब ने बाबर नूं कहा सी कि इन्ना कुछ वेख के भी तै की दर्द ना आया। दादी मां इन्ना जालम सी बाबर, ओदे राज दे लोकी एने दुखी सी। आ जेड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठा है एदे राज केड़ा कोई सुखी है। वीर जी तुसी औरंगजेब दी गल करदे हो ना? हां, उस पत्थर दिल इंसान दी जुलम करना ता जिस दी आदत बन चुकी है। जालमा दे जुल्मा वारी ता तुसी बथेरा जानदे हो। दादी मां जेड़ी गुरबाणी सिखाउंदी है ओ भी सब नु याद है जा नहीं? बाणी ता सहज हुंदी है गुरु माता, आपे कंठ हो जांदी है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरु देवे नमे। ए दोवें ता खरे उतरे ने जुझार सिंह, ते तुहाडी संस्कृत ते फारसी दी पढ़ाई ठीक चल रही है? गुरु माता, हुण ता संस्कृत ते फारसी बोलनी नहीं लिखनी भी जानदे आ। गुरु मां, वीर जी ता हुण घोड़े दी लगाम चंगी तरह खिंच लैंदे ने। अच्छा, हुण तां मैदाने जंग विच छुकण वाली तलवार तेरे पुत्तर दे हत्थां च खेडेगी। की सोचण लग पए गुरु मां? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध विच जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वे सोहना गबरू जवान लगता है तू भी उसी तरह लग्या करेगा। गुरु मां, तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा? उदों खुद ही देख लेना। परमात्मा तैनू तेरी वीर वांगू शस्त्र विद्या विच निपुणता बख्शे। तेरा गतका कीवें चल रहा है? ओ गुरु मां, ये हमेशा मेनू अपनी गल्लां चला लैंदे ने। दादी माता। हाँ जाओ। देवकी दास, गुरु पिता दा आदेश है कि अगे तो जे तेरी जोरू नाल कोई धक्का करे ता अपनी रक्षा आप करनी सिखो। मैं वादा करदा हां, मैं गुरु साहब दा बहुत शुक्रगुजार हां अजीत सिंह जी, जिन्हां ने मेरी मदद लई थानू भेजिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरु पिता नूं दसन गया सी। अजीत सिंह, जुझार सिंह अज पता नहीं की खा के आया, ये तो किसी दे भी पैर नहीं लगन दे रहा। मेरा छोटा भी है हुण जवान होता जा रहा है। वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू कराओ, उस्ताद जी भी यही महसूस करते ने। जुझार सिंह के शरीर में हुण काफी फुर्ती है। तलवारबाजी के गुर तो मैं कुछ अपने आप सीख रहे ने, तुसी चाहो तो अजमा के देख लो। अच्छा वीर सिंह जी, ठहरो, तलवार मेनू दियो। मेरे छोटे वीर ने किन्ने को घुड़ सीख लेने, ए मैं खुद देखना चाहता।
ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ सोना पठाली चल चुकी है हुण इहदे गहने बनाने शुरू करो पर याद रहे सिंह दी कृपा कृपा करन लई उठती है जुर्म करन लई नहीं वीर जी हुण तुसी गतका छेते छेते सिखना तां ही मेरी वारी जल्दी आओ की होया वीर जी आ देखो इन्ने मेरे हाथ ते दंदी वड्डी तुसे मेरा कान क्यों मरोड़िया तू मिर्चा वाले हाथ मेरी अखा नु क्यों लाए हाँ वीर जी देखो एना दी अखा चो किवें पानी निकल रहा है फतेह सिंह उल्टी हो गई वीर जी फिर ता इस गलती दी सजा मिलेगी हुन असी एदी अखा चो पानी कढांगे इनु हसा हसा के ਕਾਂਚਾ ਕੋਹਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੁਜਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕੁਟਾਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਨਈਆ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਂਗਾ ਆ ਕੀ ਗੰਗੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੋ
जल बिच प्रगट होआ मिटि तुंग जग चानण होआ सतगुर नानक प्रगट मेरे पोतिया ने खुश कर दिता ना मेरे लाल नू ए खुशियां दा खेड़ा साड़ी वेड़े हमेशा हस्ता वस्ता रहे ये रौनकां बहुत ही देर ना रहियां मुगल सल्तनत लोकां नूं जबरदस्ती धर्म बदलन दे लई कहिंदी सी ते दशमेश पिता दा सजाया खालसा पंथ उस दा विरोध करदा सी इसे लई हर धर्म ते हर जात दे लोग गुरु जी नाल जुड़दे ते फखर महसूस करदे उन्हां दी वधदी ताकत मुगलिया हुकूमत ते पहाड़ी राजें दी परेशानी दा सबब बन गई सूबाए सरहंद वजीर खान नूं सरद रुत विच पसीने आ रहे सी उसनु कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि वो की करे असी गुरु ते उसे सिंगा कोलो कई लड़ाइयां हार चुके हैं एक लख फौज दिल्ली तो होर मंगवा के उनां दा सफाया करो इंज नहीं हो सकदा कि सप भी मर जाए ते लाठी भी ना टूटे एक बंदे दी मौत नाल खालसा पंथ दी कमर भी टूट जाएगी मैं समझ गया हुजूर पर उस गुरु नाल टक्कर कौन लवेगा मुगलिया सल्तनत दा सब तो ताकतवर सूरमा पेंडे खान गोबिंद अपनी फौजा नु क्यों मरवाने हा चल तू ते मैं आपस विच दोनों लड़के जंग दा फैसला कर लेने हा गुरु साहब ने पंजा प्यारियां तो आज्ञा मंगी फिर प्यार हो जा गोबिंद बोले सोने वार कर गोबिंद गुरु साहब ने कहा खालसा कदी पहले वार नहीं करदा ललकारिया तू है पेंडे खान वार मैं कि मैं कर सकता नहीं पहला वार तू कर गोबिंद गुरु साहब ने कहा सोच ले पेंडे खान जे वार करन दी तमन्ना दिल च रह गई ते फिर की करेगा ते फिर बचा अपने आप नू लो सीना बेग साहब पेंडे खान दा तीर खालसा पंथ दी कमर तोड़न दी तैयार है लगाउन तो पहले वाहे गुरु जी नु कहा नर विच हर है हर विच नर है ते निरंकार हर इंसान विच तू आप है पर इस वक्त मेरे तीर दे सामने किसे दा अहंकार है गुरु साहब ने कहा अपने रब नु याद कर ले पेंडे खान मैं ते सिर तो पैरां ताई लोहे ची मणिया हां पुछो इस नु मेरे तीर किथे मारेगा
पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिल मिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजा से पाई। वजीर खान ने पैगाम भेजा कि गोबिंद की ताकत नु खत्म करने लई असी उस दे नाल हाथ मिला लिए। उस जालिम दे नाल सानू कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर से गोबिंद के खिलाफ। असी जिन्या लड़ाइया लड़िया सानू सब नु मुंह दी खानी पई। फिर भी गोबिंद ने कदी भी तुहाड़ी किसे दी जमीन दे एक टुकड़े ते भी कब्जा नहीं किया। इस विच भी उसकी कोई चाल होवेगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना हुंदा तां इह पैगाम ना भेजदा। असी सारे तुहाड़ी राय नाल चलांगे राजा जमीर चंद। मुगलई ते पहाड़ी राजा ने एक दूजे दे नाल हाथ मिला के आनंदपुर दे किले नू घेर के धावा बोल दिता ते जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। सर्द रुत ने हर पासे पैर पसार दिते। सिपाहियों च बीमारी फैलन लगी। मुगलां ते पहाड़ी राजां दे खजाने खाली होण लगे। सिपाहियों च बगावत दिन ब दिन वधदी जा रही थी। किले विच भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। 6 महीने तो किले विच खाण पीण दा सामान ना दे बराबर सी। किले विच भुखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंघां ने गुरु साहब नूं छड्डण दा फैसला किया। गुरु साहब ने अपने माता जी नूं उन्हां कोल भेजिया। तुहाडे गुरु ने तुहाडी बेनती प्रवान कर ली। बस इस बेदावे विच लिख दियो कि तुसी उन्हां दे सिख नहीं ते ओह तुहाडे गुरु नहीं। असी लिखण लई तैयार हां। इत्थे हुण सवाए भुखमरी ते मौत तो होर कुछ नहीं रहा। इस किले नूं छड्ड के जाना ही चंगा है। जेकर कोई होर सिंह अज तो खुद नूं सिंह नहीं कहना चाहता तो वह भी इन्हां दे नाल बाहर जा सकता है। सिंह छड के जाना चाहते सी पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियां दी जमीर ने आज्ञा ना दी। सिपे सलार और सिंह जा रहे ने। रुक जा, लगता है डर के भज रहे ने। जान दे इन्हां नूं। सही सोचा है जनाब। इस तो पहला साडियां फौजां घेरा तोड़ देन, बस इसे तरह ही किला खाली हो जावे। एक बार धोखा देन तो बाद आखिरकार घा विच सप वांगू रेंगदा वजीर खान दा गुरु साहब नूं पैगाम आया, जिस विच मुगलां ने अपने धर्म ते पहाड़ी राजा ने गौ माता दी कसम खादी कि जे गुरु साहब किला खाली कर जान कोई उन्हां दी हवा वल भी नहीं चाकेगा। ओह जिस पासे जाना चाहुण अपने सिंघां नूं नाल लैके जा सकदे हन। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ। ਵੀਰ ਜੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ। ਉਹ
समझौते मुताबिक गुरु ते उन्हां दे सिंघां ने शांति नाल किला खाली कर दिता है। मैं किले दिया इटा सिर च मारनिया ने, मैनू ता अपना शिकार गोबिंद किले तो बाहर चाहिदा सी। इच्छा ता पूरी हो गई, हुण सोच की रहे हो खान साहब? असी ए नहीं कर सकते, असी अपने धर्म ते इन्हां ने गौ माता दी कसम खादी है। कसम? जिस वक्त गुरु ते उस दे सिंह कीरतपुर टप्पण लगन, पिछों दी हमला बोल दियो। गुरु दे नाल नाल एक भी सिंह जिंदा ना रहे। मुगली हुकमराना ते पहाड़ी राजा ने समझौता तोड़ दिता है। हजारां दी गिनती विच फौजां साडा पिछा कर रही ने। कोई परवाह नहीं, असी मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा किथे संभालिए अजीत सिंह जी? असी सैकड़े ते दुश्मन हजारा। वो सामने दो पहाड़ियां विचो हजारा दी गिनती, दुश्मन उत्थों एक बार नहीं निकल सकता। आओ चलो। साध संगत जी, गुरु साहब दा आदेश है, अमृत वेले नू वेखदिया होया आसा दी वार दे दीवान सजाए जान। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो एक भी मुगल सिरसा वल ना जा पाए। अजीत सिंह जी, सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है, गुरु पिता ने सानू जल्दी बुलाया है। मोर्चा भारी पै रहा है, पहाड़ी से चढ़ के उन्हें भी पिछ पिछों भी वार करो। भाई साहब सिंह जी, पिछ पिछों वार हो जाए। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਵੀਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਗੰਗੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਾਜਰਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕਹਿਰ ਨਾ ਟੌਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧੂ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੜੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਗੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਓ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੇ ਕੁੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ? ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬੇਬੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਕੌੜੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿੱਟ ਲਾਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਆਪਣਾ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਾਂਗੀ। ਓਏ ਮੂਰਖ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਚਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਗਿੱਦੜੋ?
बंदे बनन माफ करना मां जी, पुत्र दे मोह ने मैनू कमजोर बना दिता ते मैं सिंगड़ी होण दा फर्ज भुल बैठी। इस तो पहला इस पहरेदार दी आवाज मेरे वांगू किसी होर मां नू डरावे। सुनो 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 चमकौर दे बसिंदो, सुनो खलक खुदा दा मुल्क बादशाह दा। हे वाहिगुरु मेहर करी। पाक सिंह जी वो वेखो दो बच्चे झाड़िया च लुकदे होए गढ़ी दे वल नू आ रहे ने। चलो वेखदे आ। कौन हो तुसीं? असीं सुणिया कि आनंदपुर साहिब वाले गुरु जी फिर गढ़ी च आए हुए ने। अपनी सेना च भर्ती कर लो। वीर जी तुसी दस्या नहीं साडी भुख ते प्यास दी चिंता कीती ते खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धे सूरमे तो घट है। पाक सिंह जी इन्हां दोनों निके योद्धियां नूं हिफाजत दे नाल इन्हां दे घर पहुंचा दिओ। बस माता जी कुछ अद्धा को सोर होना। लो आ गया कुम्मा। ओए कुम्मा की सोच रहे हैं सुजा सिंह? निक्के वीरां दी याद आ गई सी वीर जी। सरसा नदी दे पानी नू पता नहीं की सुझ्या अज दे दिन ही इन्ना चढ़ना सी। तू फिक्र ना कर सुजा सिंह, माता जी ते होर सिंह साहब हान उन्हां दे नाल। हुण तक तां ओह दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू ख्याल रखे, नदी नाल लगदी पगडंडी फड़ लवी, ओह सिद्धी तेरे पिंड खेड़ी नूं जांदी है। पर चौड़ा रस्ता सौखा नहीं, नाले छोटा भी है। पर खतरे तो घट नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आउंदी जांदी रहिंदी है। वे गंगू कुम्मा ठीक कहिंदा, रस्ता औखा सही पर सानू बच के चलना चाहिदा। असी गुरु पिता गुरु मां ते वीरा कोल कट पहुंचांगे। असी सारे अलग अलग रस्ते वल इसलिए हो गए हां ताकि दुश्मनों नु भलेखे च पा सकीए। जिद्दां ही माहौल ठीक होएगा अजीत वीर जी सानू आके लै जाणगे, है ना दादी मां? बस वो आप किसी मुसीबत च ना हो। मान सिंह जी गिनती च मुगल फौज किन्नी को हुई? आही कोई 10 लाख दे करीब। दयाली दे सामने 10 लाख सिंघां दे जोश तो किन्ना डरदी है मुगल फौज। वाह जुजार सिंह वाह, मां पर ती पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा, पर तू ता थोड़े तो भी किते अगे निकल गया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। हुन दसांगे दुश्मनां नूं कि एक सिंह 1.25 लाख दे बराबर किवें होता है।
पुलिस निहाल। गल सुन नपन मिया, तू तो कहता सी मुट्टी भर सिंह ने। मैनू तो सौ की खबर सी, पर उन्होंने जकारे ने कन्ना दे पढ़ते पढ़ते मैनू तो ज्यादा लगते ने। होर सिंह आखे होने वो किन्ने होंगे? 100, 500, 1000, 80 लाखां विचा। मैं जनाब वसीर खान नाल मशवरा करके आना वा, तू जा। तुसी जाओ, मैं तो इन्ना जानता कि इन्ना विचों कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानी जान सन उस रात वो भला किवें सौंदे। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। भले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु, भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना, मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर गुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु, सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से, साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। भाइयों हमला करो, छोर लगातार करो, ताज सिंह बाहर ना आ सकन, जैसी गड़ी तक पहुंच जाइए। गड़ी के दोनों कोनिया ते जाके इन्हां दी गिट्टियां दी तीर मार दें। तीर न चलाओ, साढ़े अपने बंदे नूं लगन गे। अगे वधो,
रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैं तुहानू लखा सिपाही दिते ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी पर सिंगा नू तुसी काबू नहीं कर सके। जाओ जाके एक बार हमला बोलो ते सब नू खत्म करो। खान साहब ओ उची जगह दे बैठे ने ते असी नीवी जगह ते, जेकर असी एक बार हमला कीता ते साडे कटो कट 20,000 जवान मारे जानगे। नहीं नहीं ऐ नुकसान बहुत ज्यादा है, ठहरो मैं सोचन दियो। इस तरह करो, उन्हां दी तीरां दी मार तो 10 गज दूर होके बैठ जाओ। सिंगा कोल फिर दो ही विकल्प रह जाणगे, जां तां गड़ी तो बाहर आके साडे नाल लोहा लैन तो पहला ही साडे सिपाहियां दे तीरां दी भेट चढ़नगे, जां अपने गुरु समेत मेरे सामने आके घुटने टेक जाणगे। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਗਲ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। कुटिया की खबर है जी, कुछ है? लगता कोई आ गया है। जी हजूर। तो आनंदपुर वाले गुरु दे किसी परिवार वाले नु जा उन्होंने सिंगा नु वेखे? तुहाडे तो पहला एक टोली तुहाडे सिपाहियां दी आई सी ते यही पुछदे सी। मैं उन्हां नूं भी यही कहा सी
ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ फतेह सिंह तू की सोच रहे फतेह सिंह दादी मां माता जी दी याद आ रही सी याद तो मेनू भी आ रही सी पर माता जी दे नाल अजीत वीरा जुझार वीरा ते गुरु पिता जी तो होणगे ना दादी मां हां पुत्तर दादी माँ माता जी भी सानू याद कर दे होंगे ना की होया माता जी तुसी फिकर ना करो माता जी जिथे भी होंगे खुश होंगे चौकड़ी एक दूजे तो बिना नहीं रह सकती हे वाहेगुरु सुख रखी भाई दया सिंह जी तीन जत्थे गड़ी तो बाहर जा चुके ने हुन अगला जत्था मैं लेके जावांगा बस अरदास करन तो बाद गुरु पिता दा आशीर्वाद लेके आना हैरो जी सिंह जी तुसी इस युद्ध विच नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकदा तुहाडी कुर्बानी नाल पंथ नु ना पूरा होण वाला काटा पवेगा मैनू शहीद होए सिंघां नालों वक करके ना देखो भाई दया सिंह जी खालसा पंथ रिश्तिया दा मोहताज नहीं मैं अपने गुरु पिता नु चंगी तरह जानदा ओ मैनू जंग विच भेजण लई अपने हथा नाल गड़ी दा दरवाजा खोल देंगे अजीत सिंह अपनी जित तैयारे हुए ने बस हुण तां गुरु साहिब ही रोक सकते ने दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी गुजरी ते पोते आदी सुने ओ जरा कहानी ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ पर तुसी हुन तक साड़ी गल दा कोई जवाब नहीं दिता गुरु पिता मैं युद्ध विच जान लई तैयार हां अजीत सिंह जी तुसी नाम मेरा अजीत है जितया नहीं जावांगा जितया गया अगर जीउंदा नहीं आवांगा मैनू आशीर्वाद दियो गुरु पिता दशमेश पिता जी ने अजीत सिंह नू जंग विच भेज के साबित कर दिता कि माता गुजरी दे लाल नू लोकां दे सिर मंगन दा ही शौक नहीं जरूरत पवे तां कौम दी खातर ओ अपने पुत्र दा भी सिर दे सकदे ने ते सेवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते कभो ना डरूं न डरूं और सोच अब चाहे लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं हमला करो
इधर तीर मारो। बेटा सुन, जिस चीज की लोड होवे ले आवो, मोरा होर चाहिदे होण ते मैथों ले लेना। रख पुत्तर। माता जी इत्थे वी तां सब कुछ तुहाडा ही है ना, ए खेचल ना करो, मैं रोटी बनाउनी आ। गुरु जी, सरसा नदी ते आके सारा परिवार बिछड़ गया। माता जी, छोटे साहबजादे पता नहीं कित्थे चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाडे मत्थे ते कोई शिकन नहीं। दुनिया जीवन दे तरीके लभदी है, ते तुहाडा हौसला सिंघां नूं शहीद होण दी जात सिखांदा है। बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने, ये वड्डा हो के पंथ दी बागडोर संभालेगा। गुरु पिता जी, मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह, ना तू एहो जी गल ना कर, तू तो हाले बहुत छोटा है। गुरु जी इनू समझाओ ना। मैं सेवा सिंह नू कहना कि अगला जत्था वो लेके जाएगा। जथेदार जी, मानदा हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अंजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नू मार के मरना सका। गुरु पिता जी मेनू आशीर्वाद दियो। धारण करके युद्ध में जान तो पहला जिवी तेरा वड्डा वे सोना गबरू जवान लगता है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। तो हाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदो खुद ही देख लेना। गुरु मां, तुसी इत्थे? हां, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नु मिलन आई सी। गुरु पिता जी दे चरण स्पर्श करन लग्या, मैं यही सोच रहा सी कि काश आज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उना दा भी आशीर्वाद लेके जंग नु जांदा। डरता नहीं लग रहा? मां, मैं ता सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया। मैनू फकर है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के निकलेगा। मां, तुहाडी अखां चो हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्तर। जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, नानक साचे की साची कार। Thank you.
दंदियां हाले टुटिया नहीं ते सूरमियां नाल लड़न आ गया है। कईयां दा शिकार तक कर चुके हैं ते वियां दा हाले और करांगा। गुरुदेव पुत्रा बस तू तो वी कैसी गंगू, माता जी लगता कोई चोर थोड़ी गठड़ी ले गया। कोई गल नहीं पुत्र, उस चोर की भी कोई मजबूरी होएगी। हाँ, पर माता जी उस विच तां थोड़ी सारी दौलत सी। नहीं पुत्र, मेरा सब कुछ तो मेरे कोल है। नहीं नहीं माता जी, मैं जाके कोतवाली विच शिकायत करदा। रहन दे पुत्तर, आज कल चोरां नाल ज्यादा लोग कुतवाली विच लुटे जांदे ने। जिद्दां आखो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जावेगा। ओए सही क्या सी उन्हां ने, पंत मुट्ठी खुले हाथ दियां उंगलियां तोड़ दिंदी है। इन्हां दे गुरु च जरूर कोई गैबी ताकत है। कोई गैबी ताकत नहीं हैदर मियां, जंग विच फतेह जिगरे वालियां दी हुंदी है। वजीर खान नूं कहो अपने बच्चे नूं जंग विच भेज के विखावे। मुगलां वालों कोई हरकत नहीं है जथेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कल दे जथे नाल खुद जंग विच जाणगे।
नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर सानू गुरु साहब नू रोकना ही पवेगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंज प्यारे नू अमृत छका के खालसा पंथ सजाया। हाँ, एदा मतलब पंज प्यारे ही पंथ ते पंथ ही पंज प्यारे ने। बिल्कुल। बस फिर असी सारे जाके गुरु साहब नू बेनती करते हैं कि गुरु जी तुसी हो ता पंथ है ते साडे सिखां दे लई पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु ते गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पांच प्यारे नू खंडे बाटे दा अमृत छका के तुसी अधिकार उन्हां नू दित्ता सी कि जद कदी वी पंथ ते भीड़ पवे तां पांच प्यारियां दे हुकम नू असल मन्या जावे। असी पांच प्यारे तुहाडी बनाई खालसा पंथ दी लोकतंत्री नीति नू बरकरार रखते हुए पंथ दी बेहतरी लई अपने गुरु नू बेनती करदे हां कि ओह गड़ी छड के चले जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह ने अपनी पोशाक पवा के गड़ी चो एक आम आदमी वांग निकले। उन्हां नाल भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते भाई मान सिंह सन, पर जांदे जांदे भी योद्धा की तरह दुश्मनों नू ललकारते हुए ताड़ी ठोक के कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक लवे। ये सुन के मुगला विच तल्ली मच गई। कौन है उठे? उसकी आवाज आई, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह सुनाई नहीं दे रहा। गुप्त अनेरी रात थी, किसे नू सुझे ही नहीं के की होया है। ओ मैं ठीक सुनया, मैं फौजदार नू जाके दसदा। अगली सवेर चमकौर साहब विच कमासान जो दोया, जिस सिंह ने गुरु जी दा बाणा पाया सी उसनू देख के फौजदार नू लगया उसने गुरु जी नू मार दिता है। वजीर खान खुशी नाल नच उठया। ओए मूर्खो, ऐ गुरु नहीं है, कोई होर है। जाओ जाके गड़ी दा कोना कोना छान मारो। खान साहब, गड़ी दा कोई भी नहीं है, बस गुरु दा एक नीला कोड़ा ते चार अरबी कोड़े खड़े ने। इस दा मतलब है के ओ एक बार फेर साड़ियां आँखां चे कट्टा पा के निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु दा जोर दी आवाज दे के गया। कल रात जो मैं सुनया फेरो ठीक सी। हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सके ता रोक ले। मैं ता फौजदार नू उसी वेले जाके दस्या सी। मैनू क्यों नहीं दस्या? हुन जाओ, हर पासे जाके उसनू तलाश करो। मैनू वो हर हालत विच चाहिदा है। मैं उसदे सिर ते तुर्की पग बन के उसनू अपना गुलाम बनावांगा। भाइयो देख देखियो, मार गेरो उस गुरु दे बाजू। वड्डी इज्जत ते हाथ पाया, छड्डांगे नहीं। आलो पुत्र, दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरन सुनेहा पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादा जी वांग गल भूलता नहीं। दादी माँ, आज मैं सपने च दादा जी नू मिलिया। दादा जी नू? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक विच रहंदे ने। उन्होंने उत्थे बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, ते महल दा रंग चिट्टा है। हाँ हाँ, चिट्टा ही है। गल सुनो, तुसी दोवां ने इको सपना किवें वेख लिया? ए छोटू चितान है माँ, ए चोरी छुपे मेरे सपने च आके होवेगा। दादी माँ, पहले मैं दस्या ना तुहानू, इन्हां ने लुक के मेरा सपना देखिया। चल दस, उत्थे होर कौन सी? अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी। ए बिल्कुल ठीक कहंदा माँ जी, अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी उत्थे रहंदे ने। जुझार वीर जी ने गतका छाता,
ते अजकल ओ तलवारबाजी सिखदे ने। हाँ दादी माँ, ते अजीत वीर जी ने मेनू कहा कि सरहंद इलाके विच कई दीवारा बहुत पुरानिया ने, बाबर तो भी पहले दिया। तू ते फतेह सिंह ध्यान नाल खेलिया करो, किते कोई काम तुहाडे दोहां ते ना गिर पवे। ना पुत्तर, शुभ शुभ बोलिया करो, एहो जे माड़े लफ्ज़ नहीं सुभान तो कड्डी दे हुंदे। हे वाहेगुरु, सुख रखे। जनाब, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ते उन्हां दे दोनों छोटे बच्चे मेरे घर लुके होए ने। लखां दी फौज लैके भी वजीर खां हाले तक गुरु नूं तां फड़ नहीं सकिया, हुण उन्हां दी बजुर्ग मां ते बच्चियां दा जलूस कट सूरमा बनिया पुत्ता। जाके शहीद होना पर मुस्कुरा रहे ने। बच्चियां औरतां ते जुल्म करन वाला सूरमा नहीं शैतान कहौंदा है। सहे काम साडे हत्थों हो रहा है, ओ बेहतर हुंदा हुक्मरान गुरु दी तलाश विच सानू भी चमकौर बना लेंदे। किधर नू मुंह चक्या? मैं अगले पिंड किसे नू मिलन जा रही हूं। की नाम है तेरा? पागो, बीबी पागो। तो आड़े जो किसी ने नानपुर वाले गुरु नु वेखे? हाँ, दिन रात देखती हूँ, हुणे हुणे देखिया। किथे? तू भी अखा बंद करके ध्यान लगा, तेनु भी गुरु साहब दिखणगे। ओए सिखणी है, तेनु ये तलवार दिखाई देंदी है? जे कुछ पता है तो दस, सानू ओनू गिरफ्तार करन दा हुक्म होया है। पहला दो गज ता छाल मार लै, फिर छे गज भी मार लवी। की मतलब है तेरा? पहला गुरु दी सिंगनी नूं तां फड़ के विखा, फिर गुरु नूं भी फड़ लवी। कलजीधर प्रीतम नूं बेदावा लिख के देण वालिओ, जाओ गिदड़ा वांग अपने घरां विच लुके बैठ जाओ। जिन्हां सिंगणियां ने बलवान शेरां नूं जन्म दित्ता है, ओह बबक मार के जालिम दे सीने फाड़ सकदियां ने। बोले सो निहाल। माड़ी मोटी भी तुहानूं शर्म है तां डुब के मर जाओ, नहीं तां जाके अपने गुरु दे चरण फड़ो ते पुल बख्शाओ। असी चारिया ने ना बख्शन जो गलती कीती है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार ता बख्शन हार है। माता जी, सानू उस दातार परम कृपा निदान जी दे चरण शरण ले जाओ। जरूर लेके जावांगी, मैं तुहानू उहनां नाल मिलावांगी। दिल जदों अंतर ध्यान होके अपनी अखां नाल वेखदा है तां मैनूं अपने गुरु दे साक्षात दर्शन हुंदे ने। साड़ी ओना नाल मुलाकात जल्दी होगी। दादी माँ, किसी नूं कुछ पता नहीं साड़े गुरु पिता किथे ने? नहीं पुत्तर, मेरा गोबिंद मेरे पोतियां दे सवालां च ते अपनी माँ दे ख्यालां च पता नहीं किथे गुम हो के रह गया। मित्र प्यारे नू हाल मुरी
ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜਨ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਦਾਸੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ
ओए मोती रुक, ए मलाई दा वक्खन थोड़ी निकलू, चल वापस। खान साहब आज मेरे को लही है, कल मैं अपनी कारवाली दे सारे गहने ले आवांगा। गहने ले आवेंगा? ओ ता मैं आज दे हिसाब विच गिन लवांगा, कल दे हिसाब विच की देंगा। कुछ ता करांगा जी, कल गहने याद ना ले आई। चल जा। हे वाहेगुरु, माता जी ते बच्चा दी सेवा देन दा तेरा लख लख शुक्र है। माता जी तुहाडे ते इन्हां बच्चियां लई दुध लेके आया, मोती दी है माड़ी जी सेवा कबूल कर लैनी। मोती पुत्र, तू साडे लई दुध लिया के अपने लिए कोई खतरा तो नहीं मुल लै रहा? फिर की होया माता जी, मैं तो भागा वाला हाँ जिन्हों सेवा करन दा मौका मिलिया। जिन्ना चिर तुसी एथे हो मेरी सेवा इसी तरह कबूल करते रहोगे जी। अच्छा पुत्र। बेटा तेनू मेरे गोविंद पुत्र दी कोई खबर मिली होवे? ओ ता अंतरजामी ने सब दी खबर रखदे ने, फिर ओना दी खबर मेरे वर्गे मामूली इंसान नू की होएगी? बस इन्ना सुनिया सी चमकौर विच कमसान दा युद्ध होया, नतीजा की निकलिया पता नहीं। माता जी एक गल समझ नहीं आई। केड़ी गल? एक पासे ता वजीर खान दे सिपाही हाथ विच नंगी तलवारां फड़ी गुरु साहब दा सिर कलम कर लई उन्हां नूं जगह जगह ते लभदे फिरदे ने, ते दूजे पासे उसे इलाके विच दो मुसलमान भरावां ने गुरु साहब नूं बड़ी इज्जत नाल अपने घर विच रखिया। बंदे बड़े नेक ने। नेक ने ते अनेक ने। अनेकां उन्हां दे भगत हन, सैकड़े उन्हां दी फौज दे सिपाही हन, कईआं नूं तां गुरु साहब ने अपनी फौज दा मुखिया तक बना रखिया। गुरु साहब किसे मुसलमान जां इस्लाम दे खिलाफ नहीं हन, ओ ता उस कट्टरवाद सोच दा विरोध करदे हन जिहड़ी कमजोर ते मजलूम लोका दा धर्म परिवर्तन करके उहनां दा तन दौलत लुट रही है। गुरु साहब औरंगजेब ते उसदे दूत वजीर खां विच चल रही है लड़ाई किसे सिख जां मुसलमान दी लड़ाई नहीं है, ए ता अच्छाई बुराई नाल लड़ रही है जिहड़ी हमेशा चलदी रहेगी। इसे अच्छाई बुराई दा सबक पढ़ा के तुसी कई पटके हुए सिंघां नूं सिधे राह पाया। इस कारज लई खालसा पंथ तुहाडा हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु दा एक निमाणा जिहा सिपाही हूं जिसने अपनी नजर अपने गुरु दे फरमान ते टिका रखी है कि कद मेरा दशमेश पिता मेनू हुक्म देवे ते मैं दुश्मना नाल भिड़ जावां। खान साहब बुजुर्ग औरत ते बच्चियां नू गिरफ्तार करना तां साडे सिद्धांतां दे खिलाफ है। की उहनां ने सरहंद च आके कोई बगावत कीती? उन्हां दा कसूर की है? उन्हां दा कसूर है कि ओ बागी गोबिंद दी मां ते उसदे बच्चे ने उस बागी गोबिंद ने साडी नक विच दम कर रख्या है। मैं उसनू गिरफ्तार करन लई उसदे परिवार नू हिरासत विच लिया है। पर ध्यान रहे बच्चिया ते मां उत्ते कोई आंच नहीं आनी चाहिदी। जेकर कोई ऊंच नीच हुई तां सानू मजबूरन हरफिया बयान दा दस्तावेज दिल्ली भेजना पवेगा। काजी साहब कुछ करो। पर मेरे हत्था विच कुछ तो दियो, बागी उन्हां दा बाप है, बच्चे तो नहीं। जो मैं उन्हां दी सजाए मौत दा फतवा तुहाडे हत्था विच रखदा। ऐ मौका मैं हत्थों नहीं जान देना चाहुंदा। इक्को तरीका है,
ना थानू फतवा लैन की लोड़ पवेगी ता ना मैनू देन दी। ते तुसी गोविंद तो भी अपना बदला ले पाओगे। ओ किदा जेकर बच्चा तो साडा धर्म कबूल करवा लिया जावे ता जदों उस दी औलाद ही साडा मजहब कबूल कर लवेगी ता उस गुरु लई इस तो वड्डी कोई होर हार हो नहीं सकती। पर मैं अपने बच्चा नाल क्यों नहीं जा सकती? बेकार दिजत ना करो माता जी, सानू जिवें हुक्म होया असी तो ओवें कर रहे हैं। चलो चलो, तुसी क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, बच्चा नू नाल लेके चलो। हाँ साहब, जो करना है वो सोच लिया। तुसी वेखना जिवें तुसी चाहुंदे सी ओवें ही होवेगा। वड्डा दरवाजा बंद ते छोटा खुलिया। भाई बच्चियां नू लेके इत्थे आ रहे ने, साडे सिपाही सिर चुका के दरबार चाहुंगे, बच्चे भी उन्हां दी नकल करनगे। हिंद दे पीर दे बच्चे सुबह सरहंद नवाब वजीर खान दे सामने आउंदे सार सिर चुकाउणगे। सरहंद दे नवाब वजीर खान दा दरबार है, इत्थे कोई भी बंदा आके किसी भी गुरु दी फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चो, नवाब साहब को माफी मंगो, अदबनास सिर चुका के सलाम करो। असीं वाहिगुरु विच ही यकीन रखदे हां, उसे परमात्मा अगे झुकदे हां जो आत्मा दे रूप विच हर किसी दे अंदर वसदा है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ कि लोकी देख के अपनी मर्जी नाल चुक के सलाम कर देने। जेकर थोड़ा भी कदे उन्हां नाल सामना हो गया, थोड़ा फिर भी अपने आप उन्हां दे चुक जाएगा। की होया खान साहब? गुरु पिता दे दर्शन होए लगदे ने। खामोश। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
थोड़ा की यकीन करना, थोड़ी ता नियत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म सानू बुर्ज विच कैद किता होया। खान साहब ठीक कह रहे ने बच्चे हो, इना दा तरम कबूल करो, नहीं तो अपने प्रामा दी तरह मारे जाओगे। साडे तरम ने सानू मरना पहला सिखाया, इसलिए सानू मौत दे डरावे ना दियो। बच्चे हो, मौत दी नहीं जिंदगी दी गल करो, तुसी जो चाहोगे वो ही मिलेगा। रहन लई ऐशो आराम ते महल राजकुमारा दी तरह ठाट बाट। जेकर मैं कुछ भूल गया होवां तां तुसी मैनू याद करवा देना है। याद दिलाउंदा, ओ याद दिलाउंदा जेड़ा मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी ओना कश्मीरी पंडितां नू जिन्हां नू ओना दे धर्म परिवर्तन लई मजबूर कीता जा रहा सी। दादा जी ने कहा सी ओना जालमां नू कहो पहला गुरु दा धर्म बदलो, जेकर गुरु ने धर्म बदलिया तां तुसी सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लवोगे। हां हां याद है। तां फेर जिन्हां दे दादा जी ने किसी दा धर्म बचाउण लई अपना सीर दे दित्ता, तुसी ओना दे पोतियां नू अपना धर्म कबूल करन लई कह रहे हो। सोच लो किते कोई गलती तां नहीं कर रहे। उसे दी विधवा मतलब तुहाडी दादी हाले जिंदा है, हुण की करना है, जाओ उस नाल जाके सलाह करो, कल तक दी मौलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओए ता वड्या वड्या नूं चुप करा देंदे ने, ये बच्चे ने जापला तो। मूली बच्चे नहीं हन, मैनू नहीं लगता कि वो मनणगे। मैं सब मनवा लवांगा। खान साहब ना भुलो, उन्हां दे खिलाफ कुछ भी करन दे लई तुहानू दरबार दी सहमति भी चाहीदी है। जनाब मेरी सोच दी तारीफ करना। कल नू दरबार विच नवाब मलेर कोटले नु बुलाओ। क्या उसका भरा खाजर खान सिंह की लड़ाई विच रोपड़ दे कोल मारिया गया सी, ते उसे दूजे भरा निहार खान नु सिंह दे गुरु ने अपने हाथी चमकौर की लड़ाई च मारिया। ऐ आपा पहला क्यों नहीं सोचा, मेरा काम तो उसे ने ही कर देना है। भागवान ने माता ते बच्चियां दे लई दुध लोटे च पा दिता। थोड़ा होर कढ़ लैन दिओ, अज मैं खजूर ते लाची भी पाई है। तुसे छीको विच रखे गहने चुक लेने। चुप क्यों, की गल है? गहने ता मिर्जे ने कल दे हिसाब विच जोड़ रखे ने, अज की दवा? तुसी उस नूं इह कर दे दिओ, असी सरां विच जाके गुजारा कर लवांगे। पर रब दे वास्ते इस दुध की सेवा विच कोई विघन ना पैण दिओ। पुत्र बच्चा प्रति तेरे दिल विच इन्ना प्यार देख के मैं रब कोलों दुआ करांगे कि वाहिगुरु तेरी इस सेवा नूं जरूर पाक लगाए। बस माता जी, उस सच्चे दरबार विच तुहाडियां दुआवां दा ही सहारा है, होर इत्थों किसी ने की ले जाणा है। हुण मैं चलदा। चंगा। हां बच्चिओ, तुसी खुल के नहीं दस्या अज दरबार विच की होया।
होना की सी दादी मां सानू साडे दादा जी दी कुर्बानी याद सी ओ भूल चुके सी असी उनां नू याद करवा दित्ती दादी मां ओ सानू बच्चा समझ के डरा रहे सी कहंदे सी जां मौत कबूल करो जां साडा धर्म डराउन ली सानू ए वी कह रहे सी कि साडे दोवें वड्डे वीर चमकौर दी लड़ाई विच मारे जा चुके हैं बस इन्ना सुनिया सी चमकौर विच कमसान दा युद्ध होया नतीजा की निकलिया पता नहीं दादी मां हां हां बच्चो तुसी ठीक कहंदे हो ओ ता जो मुंह च आए बोली जांदे ने ऐ थोड़ी हुंदा आपा बड़ी छेती उन्ना कोल जावांगे अज साडे विच नवाब मलेरकोटला जनाब शेर मोहम्मद खान भी हाजिर होए ने जिना दे एक नहीं दो भरावां नूं इन्हां दे पिता गोबिंद ने बड़ी बेरहमी नाल कतल कीता तुहानूं पता है तुहाडे पिता ने नवाब साहब दे भरावां नूं क्यों कतल कीता सी कोई गलती कित्ते होवेगी एना दे भरावां ने इन्ने छोटे बच्चे ते इन्नी वड्डी जुबान इन्ना वड्डा वजीर ते इन्ने नीच काम परे दरबार शरेआम गुस्ताखी दी सजा मौत है सजा मंजूर है पर चुकना कबूल नहीं तुहानू मौत तो डर नहीं लगदा तुहानू खुदा तो डर नहीं लगदा जुबान संभाल के बोल बेखौफ बेखौफ जींदे हां बेखौफ मरदे हां क्योंकि असी गुरु दे सिंह हां सिंह हां सही काम करने वाला बंदा सिंह हुंदा है किसे भी हंजू पूंछ के उसको खुशी देने वाला बंदा सिंह है कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है इंसाफ ले जिंदगी दाव पे लाने वाला बंदा सिंह है ओए सिंगो इना दे भरा इंसाफ दी लड़ाई लड़दे सी जदों तुहाडे पिता ने युद्ध विच उन्हां दा कतल कीता युद्ध विच ना ओनू कतल नहीं कुर्बानी कहंदे ने ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਨਵਾਬ ਏ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਲਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਗੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਜ਼ੀਓ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚਾਨੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ
नेकी उन्हां दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा नाम है। शुकर कर असीं थोड़े कैदियां, नहीं तो सौ गुरु पिता दी हुण तक तेरा सिर मोदे को दिख चुका होना सी। बस मैं होर कुछ नहीं सुनना चाहुंदा। बागी गुरु दे बागी बचो, साडा धर्म कबूल करो, जां बेरहमी नाल मर ले तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस, हो सबना की रहन का तो आओ हमारे पास। काजी साहब फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। किथे जा रहे हो माता जी? इन्हां नूं जिंदा दीवार विच चिन दिता जावे। बस बस होरोगे नहीं, चलो साडे नाल। काजी ने फतवा देता कि कल दोहां बच्चियां नूं जिंदा दीवार विच चिण दिता जावे, पर बच्चियां दे मुंह ते जरा भी शिकन नहीं। लगदा उन्हां नूं फतवा समझ नहीं आया। नवां तरीका लभिया सूबे ने सजा देण दा। ओए सुनिया तुसी? हां हां, बच्चियां नूं फसाया गया है। मियां ए गुनाह है, जुल्म है, सरहंद दी धरती ते गैर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चियां नूं दीवार विच चिनन लई कोई भी मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ अपनी कैद विच सजा कट रहे दो चोर भरा शासन बेग अते बाशन बेग, उन्हां नूं मैं तैयार कर सकदा हाँ, जेकर हुजूर उन्हां दी सजा माफ कर देन तां। जाओ, उन्हां दी सजा माफ कीती। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी मां, असी पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध पिला के भी तुर गया, पर तुसी पुछिया नहीं कि अज दरबार च की होया। पुत्र उही दलीला, पुठे सिद्धे सवाल। जो कुछ भी होया उस तो असी बहुत खुश हैं दादी मां। खुश हो? केड़ी गल दी खुशी हुई तुहानू? असी खुश हां कि असी तुहाडियां उम्मीदां ते खरे उतरे। असी खुश हां कि असी अपने गुरु पिता ते दादा जी दी शान नूं बरकरार रखिया। असी खुश हां कि असी जालमा दे डर तो अपना धर्म नहीं हारिया, तुहाडे वल्लों सिखाई गुरबाणी नूं याद रखिया। मैनूं तुहाडे ते फखर है। काजी दा फतवा कहंदा है कि सानूं जिंदा दीवार विच चिण दित्ता जाएगा। फिर की होया? जिंदा दीवार च ही चिणनगे, मार थोड़ी पैणगे। हाँ दादी मां, मार थोड़ी पैणगे। असीं वी बच्चियां वाले हां। मैं नहीं चाहुंदी कि कल्लू इतिहास दे पन्निआं ते सूबे सिरां दा नौ मासूमा दे कातिल दे रूप विच जानिया जाए। तू चाहुंदी है कि मैं उस शख्स दे बच्चियां ते रहम करा जिन्हें मुगलिया सल्तनत के नक विच दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब अपना फतवा दे चुके ने। काजी दा फतवा बदलिया जा सकता है, ए मैं जान दी हां। उस फतवे नु किवें बदलना है ए तुसी जानदे हो। होश विच आओ बेगम, मैं उना बच्चा दी सजा माफ नहीं करांगा। मैं नहीं चाहुंदा कि समूची मुगलिया हुकूमत मेनू सिखा दे गुरु तो डरन वाला डरपोक कह के बुलाए। तीर कमान चो निकल चुके है, हुन कुछ नहीं हो सकता। खुदा दे वास्ते इंज ना करो खान साहब, ए जुल्म है, ए जुल्म है।
ओ माता, बच्चियां नूं तैयार करो, लैन आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी थोड़े कोल वक्त है। हाले भी थोड़े कोल वक्त है काजी साहब, अपनी गिच छड़ दियो, नहीं तो इस धरती ते डुल्या साडा खून एक दिन जरूर रंग लेके आएगा। की रंग ले आएगा? ऐसे थोड़ी जात विच कोई महल बन जानगे? चला दो इन्हां नूं दीवार विच चिन्ना शुरू कर दियो। ओंकार स
सतनाम करता पुरख निरपो निर्वय अकाल मूर्त सोच लवो, हाले भी बहुत कुछ हो सकता है। ना दोहा नू बार कटो ये दोवें तो हले जीवदे ने खान साहब हम जान देकर औरों की जान बचा चले सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले गंगू नू इनाम विच मिलिया सोना कद मिट्टी विच मिलिया उनू पता भी नहीं चलिया उसकी जमीर इस पाप का बोझ सह न सकी वो पागल हो गया दुध की सेवा करने वाले मोती मेहरा नू भी बख्शा नहीं गया उसनू ते उसके परिवार नू कोल्लू विच पीस के शहीद किया गया 40 बागी सिंह गुरु साहब तो बेमुख होके पछताए खदराने की लड़ाई विच उन्होंने अपनी जाना कुर्बान करके मुक्ति पाई अजकल ये जगह मुक्तसर के नाम तो जानी जाती है होरां सिंघां नाल माई भागो भी गुरु साहब नाल कदम मिला के चली नंदेड़ नू उसने अपना घर बनाया ते बड़ी श्रद्धा नाल खालसे की सेवा की माता सुंदरी जी ने दिल्ली जाके डेरा लाया ते खालसे दी राजनीतिक मसलियां दी वागडोर संभाली चारों साहबजादियां दी कुर्बानी नू निरंकार अपने महलां विच संभाल के रखना चाहुंदे सी इस लई उन्हां दी याद विच चमकौर ते सरहंद विच गुरुद्वारे उसारे गए गुरु साहब ने नवाब मलेरकोटला दी पवित्र सोच नू ऐसा आशीर्वाद दिता कि उसका राजपाठ अज भी कायम है इत्थों तक कि मलेरकोटला दा हर मुसलमान अज भी गुरु साहब नू मनदा है गढ़ी दे मालक बुद्धू चंद की नौवीं पीढ़ी अज भी चमकौर साहब के आस पास बड़ी शानो शौकत नाल वसदी है फिल्म विच दिखाए गए गुरु साहब के तीर हथियार ते जंगी सामग्री बिल्कुल उन्हां दे असली हथियारां दी नकल है ये हथियार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु साहब नूं पूजण वालियां कोल अज भी मौजूद हैं
किस वक्त गुरु साहब नूं दस्या गया कि छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच चिण के वजीर खान ने शहीद किया है, उन्होंने हाथ विच फड़िया एक तीर धरती ते मार के एक बूटा पुट के कहा, इस बेरहमी मुगल सल्तनत दे दिन हुण उंगलां ते गिने जा सकते हैं। ठीक इसे तरह ही होया। 200 साल राज करन तो बाद मुगल सल्तनत अगले कुछ सालां विच ही खत्म हुंदी गई। टोडर मल ने वजीर खान को जाके इच्छा प्रकट की कि वह छोटे साहबजादियां ते माता जी का संस्कार करना चाहता है। वजीर खान ने उसनु उस बेशकीमती जमीन लैन वास्ते उस उपर सोने दियां मोहरां बिछाउण लई कहा। उसने यही किया ते इस नेक काम दे होण तो बाद उसनु सजाए मौत की सजा सुना दिती गई। जेड़े थाने विच माता गुजरी ते छोटे साहबजादियां नु कैद विच दिखाया गया है वो बिल्कुल उसे दी ही नकल है। जेड़े थाने दा कमरा अज भी मुरिंडे विच है। इस पवित्र थां ते गुरुद्वारा साहब स्थापित हन। जेड़े दरखत थले गुरु साहब नू माछीवाड़े दे जंगलां विच आराम करदे होए दिखाया गया है वो उसे दरखत दी ही रूबरू नकल है। जेड़ा दरखत अज भी माछीवाड़े विच है उस पवित्र थां ते गुरुद्वारा साहब हन। हमेशा बदी उत्ते नेकी दी जित हुंदी आई है ते हुंदी रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद से कहर बन के टुटिया। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सिर कलम किया ते बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले से गढ़ दिता। सुच्चा नंद नू बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद विच ही मौत के घाट उतार दिता। काजी दीना खान जान बचा के दिल्ली भज गया। बच्चा नू शहीद करन वाली कंध उसारन लई शासन बेग ते बाशन बेग नू उन्हां दे इस किनौने काज लई बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां दोहां नू मौत दे घाट उतार दिता। सिंघां ने सरहंद नू फतेह करके उत्थे दे रहन वाले लोकां नू कट्टरवाद मुगलां तों मुक्त करवाया। लोकां ने जी भर के खजाने लुटे ते बंदा सिंह बहादुर लभदा होया उस खजाने कोल गोडे टेक के जा बैठा। वो टुटी हुई दीवार दियां नीहां कोल जिन्हां विच छोटे साहबजादियां नू शहीद किया गया सी।